चैनल पर सभी का स्वागत है। कॉलेज विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणतंत्र दिवस पर किस तरह भाषण दे, बहुत अच्छा सा वीडियो। शुरुआत एक शायरी के साथ, जिससे कि आप लोगों को प्रभावित कर सके। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम याद करते हैं उन वीरों को जिनकी शहादत से हमने ये दिन देखा। आज का दिन हमारे लिए, हम सभी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमने अपना संविधान पाया था। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण, अभिभावकगण, देवतुल्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों तथा साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं, आप अपना नाम बताएंगे, देश के उन सभी महान नेताओं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र अवश्य हो गया था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान वह दस्तावेज है जो बताया करता है कि भारत सरकार कैसे काम करती है। इस दिवस पर सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर होता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड निकलती है, जिसमें हमारे देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। मुझे आप सबने अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।